पाकिस्तानी सीमा हैदर के बाद अब भारतीय अंजू मीडिया की सुर्खियों में है। प्रेमी से मिलने के लिए अंजू पति और दो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। अंजू की वजह से बलिया अचानक चर्चा में आ गया। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के खरगपुरा गांव निवासी अरविंद से वर्ष 2007 में अंजू ने शादी की थी। हिंदू से ईसाई बनी अंजू के पति अरविंद भी ईसाई हैं। दोनों से एक 15 साल की बेटी और एक 5 साल का बेटा है। बहू के पाकिस्तान जाने की सूचना लोगों को मीडिया से मिली। अरविंद के घर पर रह रही चाची ने बताया कि भिवाड़ी में साल 2007 में अंजू की शादी हुई थी। बता दें कि इस युवक के साथ फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद अंजू इस पर अपना दिल ऐसा हार बैठी कि सरहद को पार करके पाकिस्तान पहुंच गई। ये मामला पूरी तरह से सुर्खियों में है, लेकिन इस बीच रतन टाटा का भी गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा, ऐसी महिलाएं वास्तव में सजा की हकदार हैं। इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए जो अपने प्यार को इस तरह से छोड़कर दूसरे देश जा रही हैं। ऐसे प्यार पर कभी भी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जो अपने पति की नहीं हो सकती वो आपकी क्या होगी। मोदी सरकार से आग्रह करते हुए रतन टाटा ने इन्हें साफ तौर पर भारत ना बुलाने की गुजारिश करी है। उन्होंने कहा, ऐसी महिलाओं को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है जो दूसरे व्यक्ति के लिए अपने पति को छोड़कर चली जाएं। इस तरह से रतन टाटा का गुस्सा फूटा है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या उन्होंने ये ठीक भी कहा या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।